नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक्रेलिक कलर से एक नई पेंटिंग बनाने जा रहा हूं, जिसका टाइटल है राम दरबार। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। इस पेंटिंग को मैं कैमलिन के कैनवास पे बना रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पे आउटलाइन की एसबी पेंसिल का यूज़ करके सबसे पहले आउटलाइन को ड्रॉ कर लूँगा। इस पेंटिंग की आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ मेथड का यूज़ किया है। आप भी इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी ट्यूटोरियल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कैसे ग्राफ मेथड का यूज़ करके आउटलाइंस को ड्रॉ किया जाता है। इस पेंटिंग को मैं राजस्थानी स्टाइल में बनाऊँगा, जिसे पिछवाई पेंटिंग भी कहते हैं। पिछवाई पेंटिंग राजस्थान के नाथ द्वारा से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार की पेंटिंग में भगवान कृष्ण जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित किया जाता है। साथ ही पिछवाई पेंटिंग में भगवान राम जी के जीवन दृश्य को कैनवास पर बहुत ही बारीकी से चित्रित किया जाता है, जिससे चित्र रियलिस्टिक लगे। कोई भी पिछवाई पेंटिंग जब आप बनाते हैं तो उसमें डिटेलिंग्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिसके लिए आपको काफ़ी पतले ब्रशेस का यूज़ करना होता है। इसमें आप ब्रशों का मिनिएचर ब्रश यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप डिटेलिंग्स को आसानी से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पिछवाई पेंटिंग्स में बॉर्डर्स को बनाना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया हुआ है। उसमें आप अच्छी अच्छी डिज़ाइनों को भर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भरा है, जिससे एक अच्छा लुक आ जाता है पेंटिंग में। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पेंटिंग आपको कैसी लगी। इसी तरीके से आप खुद भी मिनिएचर पेंटिंग्स को बना सकते हैं, जिसमें आप किसी भी देवी देवताओं के जीवन दृश्य या स्टोरीज को आप चित्रित कर सकते हैं। आमतौर पर पिछवाई पेंटिंग में भगवान कृष्ण या राम जी के ही जीवन दृश्य को चित्रित किया गया है अभी तक, लेकिन यहाँ पे कोई भी बाधाएं नहीं है। आप और भी देवी देवताओं को इसी शैली में आप बना सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इस प्रकार की पेंटिंग में एक नया फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। तो हम लोग इसी प्रकार की पेंटिंग में नए नए चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। अभी मैंने केवल एक ही पेंटिंग बनाई है, अभी मैं और भी पेंटिंग्स इस टॉपिक पर बनाना चाहता हूँ। तो गाइस इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो गाइस आज की ये पेंटिंग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।